प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को मजबूत बनाने के लिए मिशन पर हैं। अपने कार्यकाल के पहले 365 दिनों में उन्होंने 19 यात्रा में 55 दिन देश के बाहर बिताए हैं। वो जहां गए वहां सरकार और जनता ने उन्हें विश्व नेता के तौर पर सराहा। क्या मोदी की विदेश यात्राओं से देश को फायदा हो रहा है? क्या मोदी जी की विदेश नीति सफल रही? देखिए, 21वीं सदी यदि एशिया की होने वाली है तो भारत अब उस 21वीं सदी का उभरता हुआ एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी शुरुआत मोदी जी ने उस समय की जब शपथ ग्रहण में उन्होंने पहली बार 7 सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। मुझको नहीं लगता है कि कुछ खास कामयाबी मिली है मोदी जी के इधर उधर दुनिया भर के सफर करने से। कुछ शुक्र है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले तकरीबन 60-67 साल की विदेश नीति रही है और हमने इतना अच्छा बुनियाद बनाया है कि उस बुनियाद के आधार पर कदम उठाए जा सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि साहब, मैं कोई रोजगार मांगने नहीं आया हूँ, बतौर भारतवर्ष नागरिक के ये आपसे कहने आया हूँ कि आपने पिछले 6 महीने में जो भाषण दिए हैं आपने विदेश नीति का जिक्र नहीं किया है। और मैंने कहा आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप फॉरेन मिनिस्टर भी होंगे। और मैंने कहा कि देखिए, पिछले 47 से लेकर आज तक हमारी विदेश नीति पर एक राष्ट्रीय सहमति है और जो ढांचा छोड़ गए, फ्रेमवर्क छोड़ गए जवाहरलाल नेहरू, उस ढांचे में बुनियादी फंडामेंटल बदलाव नहीं लाया जा सकता।